अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो पहले मैंने व्लॉग बनाया था कि डिलीवरी का काम का, हंगर स्टेशन और टूयू का फूड डिलीवरी का काम था वो। तो यार पिछले चंद दिनों से, तकरीबन 6-7 दिनों से ना एक मसला चल रहा है कि डिलीवरी का काम बहुत स्लो हो गया। तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये हंगर स्टेशन ने और जायज़ ने, इन लोगों ने क्या किया कि अपने बाइकर जो है ना वो हायर करने शुरू कर दिए, यानी अपने बंदे हायर कर रहे हैं सैलरी पे और उनसे बाइक पे काम करवा रहे हैं डिलीवरी का। तो उस वजह से जो है ना काम बहुत स्लो हो गया। यानी जिस जगह पे आप भी, आप पहले तकरीबन 12-13 घंटे में आप 15-16-17 यहाँ तक डिलीवरी जो है ना वो कर लेते थे, अभी वहाँ पे क्या हो गया कि वो डिलीवरी जब आ ही नहीं रही तो करेंगे क्या। यानी कि 12-13 घंटे में आप मैक्सिमम कर पाओगे 4-5-6, यही आपकी आप फिलहाल रूटीन चल रही है। और अभी आगे आगे जाके ये काम और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बाइकर जितने ज्यादा आएंगे उतने कम ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग गाड़ी पे काम करते हैं। अब बाइक पे यहाँ पे काम करना सेफ नहीं है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बाइक का कोई ट्रैक नहीं है। यानी जो भी रोड बना हुआ है वो गाड़ियों के हिसाब से बना हुआ है, उसमें बाइक का ट्रैक है ही नहीं। दुबई वगैरह में ये है कि उन्होंने बाइक का ट्रैक अलग बनाया हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे बाइक सेफ नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो रियलिटी है वो यही है कि जो सऊदी लोग गाड़ी चला रहे होते हैं वो बाइक वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग मोबाइल में लगे होते हैं और जो है ना कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी का भी हो। तो इस वजह से मैं तो बाइक का हर काम नहीं कर रहा, और मेरा पर्सनली मशवरा भी यही है कि यहाँ पे आके बाइकर को जो है ना वो कम अज कम ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी हर बंदे का अपना जहन है। तो फिर मुझे उसकी वजह से जो है ना चेंज करना पड़ा काम। अभी मैं एक और, जैसे पाकिस्तान में TCS वगैरह कोरियर सर्विस होती हैं वो काम कर रहा हूँ। इन लोगों की कोरियर की कंपनी है, तो इनके मस्तौदे से जाके, स्टोर से जाके कोरियर ऑर्डर ले लेता हूँ इनसे एज अ फ्रीलांसर। तो फिर वो मैं जाके आगे लोगों को डिलीवर करता हूँ, उसके मुझे पर ऑर्डर मिलते हैं 8 रियाल। अभी तो खैर फिलहाल वो भी काम स्लो है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से काम स्लो हो रहा है फूड डिलीवरी का, लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे जाहिर बात है काम भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार चलो एक ये भी व्लॉग बना के बता देते हैं लोगों को, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि यार एक दो कंपनी में काम कर लेंगे, दूसरा ओवर टाइम ये फूड डिलीवरी का काम कर लेंगे तो अच्छे पैसे बन जाएंगे। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं, पहले अच्छे पैसे बनते थे, लेकिन अभी ये मसला हो गया कि वो मैंने आपको बता दिया कि बाइक राइडरों की वजह से जो है ना सारा काम काफी हद तक जो है ना कम हो गया। तो ये है जी वो कोरियर के ऑर्डर्स, आप लोग देख ही सकते हो मेरी गाड़ी में भी अभी फिलहाल है। ये मैंने रात को लिए थे, तो आधे तकरीबन मैंने रात को जो है ना वो दे दिए थे और आधे बाकी हैं, वो अभी निकल रहा हूँ काम के लिए, और अभी जाके स्टोर से कुछ और ऑर्डर्स भी लूंगा। तो फिर जो है ना इसमें भी ये है कि अगर आपकी अपनी गाड़ी हो तो फिर आपको कम अज कम जो है ना दिहाड़ी बच जाती है, यानी कि 70-80 रियाल बच जाते हैं। और अगर आपकी अपनी गाड़ी ना हो तो फिर इसमें भी पंगा है काफी ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि आप ये कहें कि हाँ मैं इस पे जो है ना गुजारा कर लूंगा, नहीं इस पे नहीं हो सकता। और पार्ट टाइम में इसकी ऑफर नहीं है ये, क्योंकि सुबह आपको 10 बजे ऑर्डर उठाने होते हैं, तो जो भी कंपनीज हैं जितनी भी जगह पे आप काम करते हैं 10 बजे तो हर जगह पे आपको काम पे होना पड़ता है, तो उस वजह से आप ऑर्डर उठा नहीं पाते, तो फिर आप डिलीवर भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मस्तौदे से कैसे ऑर्डर लेते हैं और कैसा है मस्तौदा स्टोर, अरबी में उसको बेसिकली मस्तौदा बोलते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यार वो पिकअप किन आने मिलने। अच्छा
तो जी वहाँ से सामान उठा लिया मैंने, थोड़ा गाड़ी में मसला था तो इसलिए वर्कशॉप आ गया। मैंने सोचा कि चलो साथ ही हो गाड़ी को भी ठीक करवा लें। तो 2 बजे गया था मैं मसौदा में सामान उठाने के लिए, 2 बजे से लेकर मैं तकरीबन 5:30 बजे तक वहाँ पे उनके साथ काम वाम करवाता रहा। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता ऑफ कोर्स, यानी हेल्प एज हेल्प। तो और दूसरे नंबर पे बंदा हेल्प इसीलिए करवाता है कि यार चलो कोई थोड़ा सामान ज़्यादा मिल जाएगा, बंदा ज़रा देखते हैं यार मेहनती बंदा ज़रा इसको सामान ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि हमें तो डिलीवरी से मतलब होगा, जितने ज़्यादा डिलीवरीज होंगे उतने ज़्यादा पैसे होंगे। तो इतनी देर उनके साथ उतना वेट किया सब कुछ, वो मसौदे के अंदर गर्मी भी बहुत होती है, गर्मी भी फेस की। तो लास्ट में जाके मुझे 11 डिलीवरीज मिली, ये पीछे पड़ी है। तो 11 डिलीवरीज मतलब 80 रियाल, तो उसमें से 50 रियाल का तो पेट्रोल जाएगा, बाकी बचे 30 रियाल। तो ऐसे टाइम पे आके ना दुख होता है बंदे। अब देखें वो हंगर स्टेशन वाला और टूवी वाला तो काम बंद हो गया, तो वो बंद होने से मुराद ये कि वो ना होने के बराबर है, तो बंद ही हो गया हमारे लिए। तो इसी वजह से फिर जो है ना, मैं अभी इस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन ही है मुझे, मेरा दिल नहीं कर रहा था काम पे आने के लिए, इसीलिए मैं वर्कशॉप भी आ गया कि चलो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी तकरीबन रात 10 बजे तक मैं डिलीवरी से फारग हो जाऊँगा, तो उसके बाद फिर वापसी फिर मसौदे जाना है। मसौदे जाके उनको हिसाब देंगे स्टोर पे कि ये जी ये इतनी डिलीवरीज लेके गया था, इतनी हो गई हैं, इतनी बाकी हैं, ये वापस ले लें। क्योंकि ऐसे होता है ना कि मतलब मैंने अगर 10-11 डिलीवरीज उठाएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि सारी डिलीवर हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि वो अगले कई बंदे बोलते हैं कि नहीं जी मैंने तो डिलीवरी कैंसिल कर दी है, मुझे नहीं चाहिए, या मुझे आज नहीं चाहिए, आप परसों लेके आए, कल लेके आए। तो कल वहाँ पे नया बंदा उप जाएगा, कल मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे एरियाज चेंज करते रहते हैं। इस तरह से फिर जो है ना, जब बंदा पूरी मेहनत करे, पूरी एफर्ट करे, अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो उनके जानने वाले होते हैं उनको तो भाई क्या बोले, अभी आएगा नहीं आएगा तो थोड़ा इधर साइड में लगा दो गाड़ी, जब सामान लेकर आएंगे जब ठीक है। तो खैर, तो सामान लेने गया हुआ लड़का, वो आता है सामान लेके, तो फिर जो है ना वो गाड़ी ठीक करवानी है। मैं बात कर रहा था कि यही अपनी पूरी बंदा एफर्ट करे, और एफर्ट करने के बाद बंदे को पता चलेगा यार मेरे हाथ कुछ नहीं आया। उनके अपने लोग होते हैं, उनको तो अच्छी खासी डिलीवरीज मिल जाती हैं, बस फंसते हमारे जैसे लोग हैं जो मतलब मैं भी मैं नया आया हूँ। नया आने से मुराद अब 2-3 महीने तक अगर ऐसे ही सिस्टम चले तो फिर मैं तो नहीं शायद अफोर्ड कर सकूँगा, मुझे तो शायद गाड़ी बेचनी पड़ेगी या कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो नहीं देखते कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो तो उसी तरह चलते हैं। बस यही मसले हैं। अब इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ कंट्री इतनी आसान भी नहीं होती है, खासकर इस टाइम पे गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्री से मुराद के अरब कंट्री जो भी हैं, सब में कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। अब जो बंदा कहे कि हाँ भाई ये तो बड़े अच्छे हालात हैं, ये बड़ा पैसा है, कंपनीज में आओ तो वही बचता है जो मतलब 50-60 हज़ार रुपया, और अगर आपने बाहर आके इतने पैसे बचाने हैं तो फिर तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं कि यार पाकिस्तान में रह के कमाओ, बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस यही है कि बंदे के जब एक बार जहन में आ जाते हैं ना मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है, तो फिर उसको कोई दूसरा जो हल है, कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। एक जनून ऐसा होता है, जब हम आए थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि कोशिश किया करें अपने मुल्क में सेटल, आउट ऑफ कंट्री में आप जाके जो भी कर लें, जितना भी कमा लें, फाइनली आपको वापस अपनी कंट्री में जाना होता है। और गल्फ कंट्रीज में तो नेशनैलिटी भी नहीं मिलती, ये भी है कि वो चलो यूरोप में तो फिर भी नेशनैलिटी मिल जाती है, लेकिन यूरोप हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो खैर बातों बातों में व्लॉग लंबा हो रहा है, तो मैं ज़रा छोटे छोटे कुछ क्लिप्स आपको और भी दिखाऊंगा, ये डिलीवरीज का काम कैसे करते हैं, आगे डिलीवर कैसे करते हैं, वो भी आगे आपको दिखाता हूँ। तो जी ये काम इस तरह से होता है कि देखें, जैसे कंपनी का पहले मेरी तरफ मैसेज आया हुआ है, मुझे यही इसको सबको शेयर करना होता है, जो उस भी बंदे की डिलीवरी आती है नंबर वो मुझे कंपनी में दे देती है, तो उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे ये मैसेज भेजना होता है, और उसके बाद
कस्टमर मुझे ये लोकेशन भेज देता है। उसके बाद ये लोकेशन ओपन करते हैं, इस लोकेशन पे जाएंगे जी, 6 मिनट की लोकेशन है ये, हेड नॉर्थ वेस्ट। तो इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपको उसको ऑर्डर डिलीवर कर देना है, और साथ में उसी ऑर्डर के ऊपर जो एक स्कैन कोड होता है उसके साथ आप अपने मोबाइल से स्कैन करना उसे, और स्कैन करने के बाद जो वो आपका ऑर्डर डन हो जाता है। तो ये तरीका है इसका शिफ्ट करने का। तो इसके साथ ही जी हमारा आज का व्लॉग होता है जी एंड। भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको रोजी वीडियो में कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा। ओके जी, तो फिर अल्लाह हाफिज़।